30 मार्च को जुलवानिया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रधान और राजपुर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष मदन सिंह बघेल का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद आज बीमा विस्तार अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट दिवंगत सरपंच बघेल पर विजय चौहान नामक युवक द्वारा डाली गई थी, जिसके बाद राजपुर ब्लॉक के सरपंच संघ के पदाधिकारी भड़क गए और संघ के पदाधिकारियों ने जुलवानिया पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के उपाध्यक्ष प्रकाश चौहान ने बताया कि दिवंगत सरपंच बघेल का निधन 12 दिन पूर्व हुआ है, जिसको लेकर पूरा परिवार शोक में है। आज उनकी पगड़ी का कार्यक्रम था, लेकिन LIC के विस्तार अधिकारी विजय चौहान द्वारा सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई, जिससे परिवारजन एवं पूरा सरपंच संघ आहत है, जिसको लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। जुलवाने से रवि महाजन की रिपोर्ट। प्रकाश भाई, क्या मामला है? आप लोग यहाँ थाने पर ज्ञापन देना है? दरअसल ग्राम पंचायत जुलवानिया के सरपंच अब्लिक प्रधान, चूँकि अभी प्रधान कहा जाता है, जो दिवंगत हो चुके हैं, परमात्मा के पास चले गए हैं। पिछली मार्च की 30 तारीख को उनका देहावसान हो चुका है। उनके देहावसान के पश्चात आज उनके पगड़ी कार्यक्रम था। उस पगड़ी कार्यक्रम के दौरान उनके घर में कई मेहमान आए हुए थे, अलग अलग लोगों कई, क्योंकि चूँकि जुलवानिया पंचायत बड़ी पंचायत है, कई लोग मिलने भी गए, कई समाज के लोग मिलने आए। इस परिस्थिति में इसी दौरान कुछ लोगों ने एक व्यक्ति ने विजय चौहान की फेसबुक ID से उनके खिलाफ इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे हमारा पूरा संगठन आहत है, दुखी है कि एक सरपंच जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आज उनका परिवार शोकाकुल है, दुख में विहीन है, परेशान है, पूरा समाज उनके लिए एकत्रित हुआ उनके घर पर। ऐसी परिस्थिति में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि वो इस तरह की घटिया हरकत करता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, और पूरा सरपंच संगठन राजपुर इसकी निंदा करता है। और हम इसीलिए आज जुलवानिया थाने पर मौजूद हुए हैं, सभी मेरे संगठन के पदाधिकारी हैं, सरपंच साथी भी मौजूद हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ जाकर काम कर रहा है और इतनी घटिया राजनीति कर रहा है, इतनी नीचे गिरी हुई राजनीति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और इसी कार्रवाई को करवाने के लिए मांग करने के लिए आए। माननीय थाना प्रभारी महोदय से हमने आवेदन दिया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, इसके अलावा भी कई लोग ऐसे काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही भविष्य नौकरी में भी है बताते हैं? बिल्कुल, LIC के बड़े अधिकारी हैं वो, और रिक्रूटमेंट करते हैं, शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है 30-40 हज़ार रुपये सैलरी होगी, लेकिन राजनीतिक पोस्टें डालना उनके लिए आम बात है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, वो कुछ भी करें। लेकिन ये जो आज हमारे सरपंच साथी के साथ में हुआ है, ये बहुत गलत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, विजय चौहान के खिलाफ। इसके अलावा भी कोई ऐसा कृत्य करे किसी मृतक परिवार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।